जैसे इतनी बात रही, आपको हमारी महारानी अच्छी लगी? पंडित जी कहने लगे हाँ। तो आज महाराज रघु ने मन में विचार किया, क्या आप महाराज? पंडित जी से कहने लगे आप हमारी महारानी को लोगे? आज जैसे इतनी बात पंडित जी से कही और राजा ने आदेश कर दिया, जितनी भी हमारे रानियां हैं सभी लाइन से खड़ी हो जाओ। अब सारी लाइन बन गई उनकी रानियों की। तब के जमाने में राजा लोग बहुत सारे विवाह करते थे, कारण भी था। देखो जैसे यहाँ के राजा है जिसे ताल देने के, अब यहाँ के राजा है तो तमाम सारे विवाह ऐसे कहेंगे, देखो उधर झांसी से कर लेंगे, इधर मध्य प्रदेश में एक दो जिला से कर लेंगे, आस पास अगर कई जिलों से कर लेंगे। पता चला विदेश के राजा ने आक्रमण कर दिया तो तुरंत सूचना भिजवाते थे और ससुराल वाला रिश्ता थोड़ा पक्का वाला होता है, तुरंत हाजिर हो जाते थे, जिससे वो लोग आपस में एकता बनी रहती थी, इसीलिए कई सारे विवाह कर लिया करते थे तब के राजा लोग। तो आज लाइन में सारी रानियां खड़ी हुई है, आज पंडित जी से कहते हैं जो आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। आज महाराज इधर रघु जी ने इतनी बड़ी बात कही और पंडित जी देखने लगे, और पंडित जी जब सभी को देखते हैं कुछ सोच नहीं पा रहे तो महाराज रघु से कहने लगे, महाराज हमें तो सभी अच्छी लगती है। जैसे इतनी बात कही है, जैसे इतनी बात कही सभी रानियां आपकी हमें पसंद है। आज महाराज रघु ने कहा तो आप देख इस बात की सभी रानियां हम आज से आपको दान में दे रहे हैं। महाराज रघु ने सरल दक्षिण दान किया, यानी कि अपने शरीर पर वस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं रखा। आज सारी रानियां जैसे ही दान की है पंडित जी को, अब पंडित जी से कहते हैं महाराज रघु आप इतनी रानियां ले तो जा रहे हो लेकिन इनको खिलाओ पिलाओ भी क्या, आपके पास इतना कहां पैसा है? आज पंडित जी कहने लगे इतनी रानियां जब हमारे पास आ गई हैं आप राज करके क्या करोगे? आप ऐसा करोगे राज भी हमें दे दो, हम राज भी करने लगे। आज महाराज रघु इतने बड़े रानी हैं कि सारा राज दे दिया और जिससे पंडित जी को भी राज दिया। आज पंडित जी ने कहा अब आप हमारे राज से निकल जाइए। आज महाराज रघु भैया इतना बड़ा दान कर देते सर दक्षिण दान और राज्य से निकल गए एक वन में और भगवान का नाम लेते लेते जा रहे हैं। आज भगवान का नाम लेते लेते जा रहे कहते हैं भगवान को यही मन की वह। आज बड़ा दुखी है और बड़ा प्रसन्न किए कहते हैं आज हमने सब कुछ दान दे दिया है परमपिता परमेश्वर, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है आपको देने के लिए। आज तक हमने आपको जो इच्छा की वो आपके लिए किया लेकिन अब हमारे सामर्थ्य नहीं बचा। और जैसे ही है कि जंगल में पहुंचे महाराज रघु, होता क्या है वहां पर एक कुएं से आवाज आई और जोर जोर आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ, और जैसे ही ऐसी आवाज महाराज रघु के कानों में पड़ी, महाराज रघु दौड़ करके आए कुएं में देखते हैं तो एक शेर है वो कह रहा है महाराज हमें यहाँ से निकाल लो हमें बचा लो। जैसे शेर ने ऐसा कहा हमें बचा लो, आज महाराज रघु कहने लगे हम आपको निकालेंगे आप तो हमें खा जाओगे। आज शेर कहने लगा अरे आप तो हमें निकालोगे फिर हम क्यों खाएंगे? तो आज महाराज रघु ने उस शेर को निकाल दिया। आज जैसे शेर को निकाला शेर ने महाराज रघु से कहा महाराज आपने हमें तो निकाल लिया है लेकिन इसमें एक भाई साहब है उन्हीं के चक्कर में हम इसमें गिर गए थे, उनको कभी मत निकालना। इतनी बात करके इधर शेर चला गया और तुरंत फिर से आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे आवाज आई महाराज रघु झांक करके देखते हैं तो एक मनुष्य है और कहता महाराज हम सुनार हैं हमें आप निकाल लो। आप हम बताओ जानवर को निकाल लिया हम तो भला मनुष्य हैं हम पर तो दया करो। आज महाराज प्रभु के मन में दया आ गई और वो होनी भी चाहिए क्योंकि जिसके दिल में दया का खजाना न हो, जिसके दिल में दया का खजाना न हो स्वामी का नाम लेने से क्या खाए I'm not a man.
और दानवी हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। आज महाराज प्रभु के दया आ गई, उस मनुष्य को भी निकाल दिया और उसने कहा महाराज यही पड़ोस में हमारी दुकान है, कभी आइएगा। लेकिन हमें तो निकाला है महाराज, अब किसी को नहीं निकाला। इतनी बात कहते हुए मनुष्य भी सुना भाई साहब भी चले जाते। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई उसी कुएं से, बचाओ बचाओ बचाओ। जिसे फिर से आवाज आई, आज महाराज प्रभु नीचे देखते हैं तो एक सर्प है भैया और नीचे से कह रहा है हमें बचाओ। जिसे महाराज प्रभु ने देखा, कहा आप यहाँ कैसे गिर गए। सर्प ने कहा महाराज हमें बचा लो, हम आपको काटेंगे भी नहीं। लेकिन महाराज आप दो लोगों को बचाए हो, हमें भी बचा लो महाराज। आज महाराज रघु ने सर्प को भी निकाल लिया, बचा दिया, इधर सर्प भी चला जाता है। और एक दिन की बात, मौके की बात, वही शेर आज राजा साहब को खाने के लिए दौड़ा तो देखा तो सोचा ये तो वही राजा साहब है जिन्होंने हमारी रक्षा करके हमको बचाया। आप शेर उनको खाता तो नहीं है और कहने लगा हम आपका एहसान नहीं चुका पाए थे। एक हमारे पास सुंदर मोतियों का माला है सोने का, उसमें हीरे मोती जवाहरात आज लगे हुए हैं, आप इसको रख लो आपके काम आ जाएगा। महाराज रघु कहने लगे अरे इसकी क्या जरूरत है। फिर महाराज रघु विचार करते हैं बहुत दिनों से दान नहीं किया है, इसको हम अगर दुकान पर बेच देंगे कुछ पैसा मिलेगा, फिर हम भंडारा इत्यादि करवा सकते हैं। इस विचार से आज महाराज रघु ने वो हीरों के जड़ित माल अपने हाथों में ले लिया। अब इसी माल